मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, स्काई मेट के मौसम पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावकर। तो सबसे पहले आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि स्काई मेट ने पहले तो मानसून फोरकास्ट किया था जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 103% था, यानी कि नॉर्मल की अपर लिमिट की तरफ था। और जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो 1 जून से 30 सितंबर तक 880.6 मिलीमीटर होता है। अब आज हमने ऑनसेट का भी फोरकास्ट किया है। हालांकि 1961 से लेकर के 1919 के बीच में जो एवरेज ऑनसेट था उसके हिसाब से जो ऑनसेट होना चाहिए वो केरल में 1 जून को होना चाहिए, ये नॉर्मल डेट होती है। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि समय से पहले मानसून दस्तक दे देगा, तो 30 मई का हमने ऑनसेट डेट बताई है, प्लस माइनस दो दिन पहले भी आ सकता है, दो दिन बाद में भी आ सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं हम कि फोरकास्ट की। तो वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, एक लो प्रेशर एरिया जल्द ही बनने वाला है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, और जो गहरा करके डिप्रेशन बन जाएगा 15 मई तक, और उसके बाद 16 मई तक समुद्री तूफान ताउते बनेगा जो म्यांमार ने नाम दिया है। तो इस समय जो समुद्र की स्थिति है काफी ज्यादा अनुकूल है, यानी सी कंडीशंस फेवरेबल हैं इंटेंसिफिकेशन के लिए कि लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे तब्दील होकर के डिप्रेशन और फिर समुद्री तूफान बन जाएगा। 27 डिग्री या उससे अधिक जब तापमान होते हैं तब साइक्लोजेनेसिस संभव होती है, और इस समय 29 या 30 डिग्री के तापमान बने हुए हैं समुद्री सतह के अरब सागर में, तो फेवरेबल कंडीशन है इसको इंटेंसिफिकेशन की। और उसके बाद ये नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा, और लेकिन ये किस जगह दस्तक देगा, कहां लैंडफॉल करेगा, क्या इंटेंसिटी होगी, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, और धीरे धीरे इसका अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में इसके प्रभाव से अति भारी बारिश देखने को मिली है लक्षद्वीप एरिया में, और भारी बारिश, मध्यम से भारी बारिश केरल और कर्नाटका के तटीय और आंतरिक कर्नाटका में, बेंगलोर में भी काफी अच्छी बारिश हुई है। तो इस समय समुद्र की जो स्थिति है वो रफ टू वेरी रफ है, यानी कि लक्षद्वीप में केरल कोमरिन एरिया और कर्नाटका के तटों पर जो समुद्र में लहरें काफी ऊंची उठ रही हैं और हवा काफी ज्यादा तेजी से चल रही है, 50 से 60 किलोमीटर, और लक्षद्वीप में 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। और धीरे धीरे अब ये जब साइक्लोन बनता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ आएगा, तो अगले दो दिनों तक तो हमें उम्मीद है कि इन सारे इलाकों में जो समुद्र काफी ज्यादा उग्र रहेगा, उसके बाद तटीय कर्नाटका में 14 और 15 तारीख को काफी ज्यादा रफ सी होगा, और 15 और 16 से लेकर के 17 18 तारीख तक महाराष्ट्र के तटों पर भी जो समुद्र की स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो जाएगी, और 17 से 19 के बीच में हमें उम्मीद है कि गुजरात के तटों पर भी काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। तो मछुआरों को और आम पब्लिक को सलाह दी जाती है कि समुद्र के आसपास न जाएं, और जो डीप सी में ऑलरेडी जा चुके हैं वो जल्दी से जल्दी किनारों पर वापस आ जाएं, और जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो हम आपको बताएंगे कि कब स्थिति सामान्य होने वाली है। तो तमिलनाडु में भी भारी बारिश होने की संभावना है कई इलाकों में, खास करके कोयम्बटूर, मदुरई और जो आंतरिक इलाके हैं इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश होगी, और केरल में हो सकता है कि 150 से 200 मिलीमीटर की फ्लडिंग रेन, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए। तो ये इस तरह का सिनेरियो अभी रहने वाला है, और जब ये उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो दक्षिण जो महाराष्ट्र है उस इलाके में और गोवा के आसपास जो बारिश की गतिविधियां 15 और 16 तारीख को बढ़ेंगी, और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी मुंबई के आसपास 16 की रात या 17 से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मुंबई, थाने, दहानू और उसके बाद ये नासिक, पुणे, मालेगांव, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, इन सारे इलाकों में, रायगढ़ वगैरह में सब जगह पर बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद ये 18 से लेकर के 19 या 20 तारीख का गुजरात के कई भागों में, खास करके द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, राजकोट, जामनगर, कांडला, भुज, नलिया, इन सारे इलाकों में, ओखा वगैरह में भारी बारिश होने की संभावना है। उस समय हवाओं की रफ्तार भी काफी ज्यादा रहेगी, समुद्र की लहरें भी काफी ज्यादा ऊंची उठेंगी। तो ये सारा जो सिनेरियो है ये साउथ में रहेगा, और हालांकि जो तेलंगाना वगैरह में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम ही रहने वाली है, और विदर्भ में और बाकी जो मराठवाड़ा है उस इलाके में भी लगभग शुष्क मौसम रहेगा, छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और इस जो तूफान का असर 19 तारीख के आसपास हमें लग रहा है, 19 या 20 तारीख को जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिले हैं जैसे कि बाड़मेर, नागौर और राजसमंद, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, इन इलाकों में देखने को मिलेगा। और उसी तरह से बादिन चोर और जो कराची और उसके आसपास के इलाके हैं
उस इलाके में भी भारी बारिश होने की संभावना है 18, 19 और 20 तारीख को। तो साउथ सिंध और उसके आसपास के इलाकों में, जो राजस्थान सटे इलाके, पाकिस्तान के इलाके, इस इलाके में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं हम उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक तो जारी रहेंगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इस इलाके में अब बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो जाएगी और 15 तारीख से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। हालांकि 14 तारीख को भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। एक ट्रफ रेखा इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पंजाब और सेंट्रल पाकिस्तान से है, यहां से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रहा है। तो आज हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। हालांकि कल भारी बारिश कई इलाकों में देखने को मिली थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और ये पूर्वी राज्यों में। तो पूर्वी राज्यों में आज बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, कल होते होते बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो जाएगी और परसों से यानी कि 15 तारीख से काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। हालांकि फिर भी सिक्किम, सवयानंद, वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो गंगेय जिले हैं यानी कलकत्ता और उसके आसपास, झारखंड, पश्चिमी झारखंड, पश्चिमी बिहार और आंतरिक उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश है, कल से बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में भी कम हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश में आज उत्तरी जिलों में और उत्तर पूर्वी जिलों में, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, इन इलाकों में हल्की बारिश या बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन उसके बाद इस इलाके का मौसम भी लगभग शुष्क हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो वेदर एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी वो दक्षिण भारत में बढ़ेगी और उसके बाद जो पश्चिमी तट है भारत के, उस इलाके में तूफान के आगे बढ़ने के कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेंगी। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काई मेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।